हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बीएससी स्टूडेंट। अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर हायर मैथमेटिक्स पूछा जाता है तो मेरा चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। या जो आईटीब है यहाँ पर जाके मेरे डिफरेंशियल इक्वेशन के वीडियोज आप देख सकते हैं। सुन, आज मैं आपके सामने पढ़ाने वाला हूँ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। और एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को समझने से पहले इससे मैं एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं जहां के मैंने एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बताई, उसके बाद मैंने रिड्यूसिबल एग्जैक्ट के दो रूल आपको समझाया, तो यार वो भी आप आईटीब पे जाके या लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दिख जाएगा। इस आज मैं आपके सामने एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का एक लास्ट कंसेप्ट बता रहा हूं। अगर बाई चांस कोई प्रीवियस कंसेप्ट न लगे तो यार ये कंसेप्ट बहुत ईजी है, आप इसको हर क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, बशर्त है कि उसका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो ई की पावर में नहीं होना चाहिए। अगर उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई की पावर में है तो यार ये वाला मेथड आप नहीं लगा सकते। हाँ, अगर x पावर एंड y की पावर में अगर ये है तो यार ये इसको आप इजीली यूज कर सकते हैं। तो देखो कैसे। सो सुन, मैं यहां पे आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के दो रूल बताऊंगा, राइट। एक रूल तो ये है, और ये कभी कभी पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चंस में बहुत हेल्पफुल होता है, पर जब क्वेश्चंस हमारे पास इस फॉर्म में नहीं है तो यार आप उसको अप्लाई करोगे थोड़ा टाइम लगेगा, राइट। उसके लिए मैं आपको एक और मेथड बताऊंगा, राइट। दोनों एक ही है। हाँ, अगर बाई चांस हमारे पास कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में दे रखी है, x पावर है y पावर b एंड एम वाई डी एक्स एन एक्स डी वाई एंड x पावर a डैश y पावर b डैश m डैश y डी एक्स एन डैश x डी वाई इज इक्वल टू जीरो, और अगर उसका x पावर h y पावर k इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, तो इस h और k की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास यहां पे दो इक्वेशन बनती है। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो, आपके पास h और k की वैल्यू आ जाती है। कैसे, देखिए। सो सुन, मान लीजिए हमारे पास ये क्वेश्चन दे रखा है, राइट। अगर इस क्वेश्चन को मैं कंपेयर करूं प्रीवियस से, तो आप देख रहे हो यहां पे आपको कैसे लिखेंगे हम, यहां पे 2y dx प्लस 3x dy एंड यहां पे हमारे पास आएगा ये 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए xy, ये आएगा हमारे पास 6y dx प्लस 8x dy हो जाएगा, राइट। इसमें जो इसके आगे का प्रोडक्ट होता है वो हमारे पास x पावर a y पावर b होता है, तो आप देख रहे हो यार यहां पे a और b की वैल्यू है ही नहीं, तो मतलब जीरो हो जाएगा। एक्चुअली हम इसको ऐसा लिख सकते हैं x पावर 0 y पावर 0, राइट। और यहां पे जो हमारे पास होता है ये हमारे पास a डैश एंड b डैश होता है, जहां पर दोनों की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 1 है। इसमें y dx का कोफिशिएंट जो होता है वो m है, और यार ये हमारे पास कितना है, 3 है। इसी टाइप से जब इसकी बात करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे ये m डैश जो आएगा वो 6 और n डैश जो आएगा वो हमारे पास 8 है। और h, अगर x पावर h y, लेट इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज x पावर h y पावर k, तो यार हमारे पास यहाँ पे एक रिलेशन होता है, और रिलेशन हमारे पास क्या होता है, सुन, h प्लस a प्लस 1 अपॉन, यहाँ पे नीचे हमारे पास क्या आता है, m इज इक्वल टू k प्लस b प्लस 1 अपॉन, यहाँ पे n आता है, एंड एक और हमारे पास आता है h प्लस a डैश प्लस 1 अपॉन, यहाँ पे हमारे पास m डैश आता है, इज इक्वल टू k प्लस b डैश प्लस 1 अपॉन n डैश आता है। सुन, ये वैल्यू हम उठा के रखेंगे यहाँ पे, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, सुन, h प्लस a तो हमारे पास यहाँ पे कितना है, सुन, 0 है, राइट। प्लस सुन, यहाँ पे हमारे पास 1 आएगा, डिवाइडेड बाय m हमारे पास 2 है, इज इक्वल टू यहाँ पे जो सेकंड इक्वेशन वो आएगा हमारे पास k प्लस 0 प्लस हमारे पास यहाँ पे कितना आएगा, 1 अपॉन, नीचे कितना आएगा हमारे पास, इसकी वैल्यू 3 आएगी। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 3h प्लस 3 इज इक्वल टू, ये आएगा 2k प्लस 2 हो जाएगा। देन इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यह आएगा हमारे पास 3h माइनस 2k इज इक्वल टू माइनस 1 आएगा, राइट। तो हमारे पास एक इक्वेशन ये आ जाएगी। अब हम सेकेंड वाला लेते हैं, मतलब इस वाले रिजल्ट को देखते हैं। तो सुन, यहाँ पे हमारे पास आएगा h प्लस a डैश, सुन, a डैश की वैल्यू हमारे पास 1 ये रहेगी, a डैश की वैल्यू, राइट, है ना, प्लस 1, राइट। एंड यहाँ पे आएगा हमारे पास k प्लस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे m और n है तो ये 6 और 8 है, इसमें k h प्लस 2 है, k प्लस 2, और इसको कैंसिल कर दो तो यार ये हमारे पास 4 आएगा, ये हमारे पास 3 आएगा, इसको मल्टीप्लाई करिए तो ये आएगा 4h, और ये 2 है और 4 से मल्टीप्लाई हुआ तो 8, और ये आएगा हमारे पास 3k प्लस 6, इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम तो इसमें हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो आएगी यहाँ पे 4h माइनस 3k इज इक्वल टू माइनस का 2, राइट। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो इसमें यहाँ पे हम जब क्या करते हैं, k को कैंसिल करते हैं, तो मैं इसको क्या करता हूँ, इस वाली इक्वेशन को इसमें यहाँ पे मैं 2 से मल्टीप्लाई, आई मीन 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, और इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, ताकि यहाँ पे 6k बन जाए, कैंसिल हो जाए, राइट। तो यहाँ कर लेते हैं, मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ ताकि क्या है कि अलग से हमारे पास जगह मिल जाएगी, राइट। तो इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो यह आएगा 9h माइनस का 6k इज इक्वल टू माइनस का 3, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आएगा हमारे पास 8h माइनस 6k इज इक्वल टू माइनस का 4 आएगा। इसमें जब इसको करेंगे तो यार ये प्लस आएगा, ये माइनस आएगा, और ये प्लस आएगा, सुन, इसको इससे कैंसिल करेंगे तो यार h इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा, 1, और ये h की वैल्यू 1 उठा के आप यहाँ रख दीजिए तो सुन हमारे पास k की वैल्यू क्या आ जाएगी, सुन, 2 आ जाएगी, राइट। अब ये h और k की वैल्यू उठा के यहाँ रख दीजिए तो हमारा जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा
यार वो हो जाएगा हमारे पास x की पावर 1 और y की पावर यहाँ पे क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, राइट। तो यार ये हमारे पास क्या होगा इसका इंटीग्रल। अब इस इक्वेशन को आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो यार हमारी इक्वेशन जो होगी वो क्या होगी एग्जैक्ट में रिड्यूस जाएगी। तो इसमें मैं आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल के बता रहा हूँ, इसके बाद तो आप आराम से इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं, राइट। अब मैं आपको एक और मेथड बताऊंगा जिसको इसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई इशू नहीं, राइट। तो वो देखिए आगे, सो देखिए, लेट इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज x पावर h y पावर k, तो यार ये आएगा हमारे पास x पावर h y पावर k, तो ये आएगा y स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर y इंटू dx प्लस 2x क्यूब माइनस एक्स वाई इंटू डी वाई इज इक्वल टू जीरो। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारे पास x पावर h y पावर k प्लस 2 टू x पावर h प्लस 2 y पावर k प्लस 1, ये हमारे पास m dx आएगा। एंड जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो सुनिए आएगा हमारे पास x पावर h प्लस 3 y पावर k माइनस ये आएगा हमारे पास x पावर h प्लस 1 y पावर k प्लस 1 इंटू यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा सुनिए dy वाई इज इक्वल टू जीरो आएगा। ये सुनिए हमारे पास m डैश है और ये हमारे पास m डैश है, इस m डैश को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y, तो सुनिए यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास k प्लस 2 x पावर h y पावर k प्लस 1 एंड प्लस सुनिए करेंगे हमारे पास यहाँ पे k प्लस 1, ये आएगा हमारे पास x पावर h प्लस 2 y पावर k, राइट। सुन इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यार ये हमारे पास क्या आएगा 2, ये आएगा h प्लस 3 x पावर h प्लस 2 h प्लस 3 एंड x पावर h प्लस 2 y पावर k, एंड जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू यहाँ पे आएगा हमारे पास h प्लस 1 x पावर h y पावर k प्लस 1। तो सुनो आप देख रहे हो यार इसका कोफिशियंट इसके बराबर आएगा, और ये जो कोफिशियंट आप पावर देख रहे हो और ये पावर दोनों सेम है तो इसका कोफिशियंट इसके बराबर आएगा, राइट। तो कोफिशियंट को आप इक्वेट कर दीजिए। सो सुनिए यहाँ पे हम कोफिशियंट को इक्वेट करेंगे, तो आप देख रहे हो इसका कोफिशियंट इसके बराबर होगा यहाँ पे, तो यार ये आएगा हमारे पास k प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस का h प्लस 1, और दूसरा कोफिशियंट ये इसके बराबर आएगा। तो सुनो आप देख रहे हो यार यहाँ पे हमारे पास 2k प्लस 1 इज इक्वल टू 2, हमारे पास ये आएगा h प्लस 3, राइट। आप देख रहे हो सुनिए यहाँ पे ये h इधर आएगा, तो ये आएगा हमारे पास h प्लस k इज इक्वल टू माइनस का 3 आएगा, और सुनिए 2 से 2 हमारे पास कैंसिल हो रहा है ना, तो यार ये हमारे पास आएगा माइनस का h प्लस का k और ये 1 उधर गया, तो यार ये हमारे पास कितना हो जाएगा सुनिए यहाँ पे 2 हो जाएगा, क्लियर है। अब आप देख रहे हो सुनिए यहाँ पे हम लिखेंगे तो माइनस का h प्लस का k इज इक्वल टू 2 आ रहा है, सुन दोनों को ऐड करेंगे यहाँ पे, तो यार ये 2k इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा सुन माइनस 1, तो k की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी माइनस का 1 बाई 2 हो जाएगी, राइट। ये हमारे पास k की वैल्यू होगी, सुन ये k की वैल्यू माइनस 1 बाई 2 उठा के यहाँ रखेंगे, तो माइनस का h माइनस का 1 बाई 2 इज इक्वल टू 2, तो माइनस का h सुनिए 1 बाई 2 उधर गया, तो ये हमारे पास हो जाएगा 5 बाई 2, तो h की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी 5 बाई 2। तो इसका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा वो हमारे पास क्या होगा सुन x पावर h y पावर k हो जाएगा, तो इसका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा वो होगा x पावर माइनस का 5 बाई 2 y पावर माइनस का 1 बाई 2। इसमें ये इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा, इसको जैसे हम इस इक्वेशन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एग्जैक्ट में क्या हो जाएगी रिड्यूस हो जाएगी। सो इसमें इस क्वेश्चन का आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में देना है, x पावर h y पावर k अगर इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर है तो यार यहाँ पे h और k की वैल्यू क्या होगी। आपको यहाँ पे चार ऑप्शन दे रखे हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको कितना टाइम लगा ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। एंड थैंक यू सो मच वॉचिंग मी। इस नए वाले चैनल पे मैं काफी अच्छे वीडियोस आपके लिए अपलोड कर रहा हूँ, अगर आप एक गेट एग्जाम IIT-JAM CSIR की तैयारी कर रहे हैं तो मेरी वीडियोस आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, यहाँ पे जाके मेरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। नए जो डिफरेंशियल इक्वेशन की 2.0 की वीडियोस आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं, यहाँ जाके आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग मी, लाइक करिए शेयर करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।